हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश दी पेडू। आज के वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बताने चाह रहा हूँ और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो इजीली लर्न कर लेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे तरह से देखना है। और आपको ये बता दूँ, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, ये मेरे पास PDF रूप में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको मेरा जो तरीका है वो आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको इजीली करना क्या है, आपको सिर्फ कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, या अगर आप व्हाट्सएप नंबर नहीं है या आप व्हाट्सएप नंबर नहीं देना चाहते तो आप ईमेल एड्रेस अपना दे सकते हैं। हम आपको उस ईमेल एड्रेस पे आपको वे PDF भेज देंगे। आगे भी हमारे पास कई सारे वीडियो आएंगे जिसके PDF हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आपको ये PDF रूप में चाहिए, आपको अगर ये वर्ब के जो फॉर्म्स हैं इसके ऊपर जो हमने ये वीडियो बनाई है, तो आप उसके लिए हमें सिमिलरली आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस हमें सेंड कर दीजिए और हम जल्द से जल्द आपको वो सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है वर्ब की फॉर्म। देखिए, वर्ब की फॉर्म को याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा कैटेगराइज कर लें। जैसा कि मैंने कर रखा है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ टाइप वन मतलब पहले प्रकार की वे वर्ब जो तीनों अलग होती हैं, जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती हैं। होता क्या है, वर्ब की तीनों फॉर्म होती हैं। वर्ब की तीन फॉर्म मेनली होती हैं। वर्ब की पहली फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और लास्ट फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म। और ये जो ING फॉर्म है आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको ING के रूल्स पता हैं कि किस तरीके से ING जोड़ा जाता है। तो मेनली जो है वो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही लर्न करनी होती है। अकॉर्डिंग टू द टेंस इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप क्या करिए, पहले उन प्रकार की वर्ब को याद करिए जिसकी तीनों फॉर्म अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले अवेक है, अवेक, अवोक, अवोकन। मैंने यहाँ पर एक्सेंट भी दे रखा है, पर्यायवाची भी दे, यहाँ पर उसका प्रोनंसिएशन दे रखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अराइज, अरोज, अरिजन, बेयर, बोर, बॉर्न। नेक्स्ट है बेयर, बोर, बॉर्न। इसी तरीके से ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बाइट, बिट, बिटन, ब्रेक, ब्रोक, बोकन। तो यहाँ पर कई सारी वर्ब आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें जो फॉर्म्स हैं तीनों फॉर्म अलग हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इन वर्ब को लर्न कर लेना क्योंकि ये तीनों अलग हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टफ है क्योंकि तीन आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे अगर आपको गिव है फर्स्ट फॉर्म होगी, केव सेकंड फॉर्म होगी, गिवन थर्ड फॉर्म। तो आपको देख रहे होंगे कि तीनों फॉर्म इन सब में क्या है, अलग हैं। तो आप इनको पहले लर्न कर लीजिए। इसके बाद नंबर आता है दूसरे तरीके की वर्ब की, जिसे हमने कैटेगराइज करा है टाइप 2। टाइप 2 में दूसरे प्रकार की वे वर्ब आती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो ये आपको इजी पड़ेगा। इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को लर्न करना है, और थर्ड फॉर्म तो अपने आप लर्न हो जाएगी क्योंकि वो सेकंड जैसी ही है। जैसे ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बाय, बॉट, बॉट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बैंड, 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 बर्न, 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 कैच, कॉट, कॉट। तो इसमें क्या है, इसमें आपके लिए ये इजी पड़ेगा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म इजी है तो आपको केवल फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म याद करनी है, थर्ड आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी में आती हैं वो वर्ब जिसमें केवल DED या DE जोड़ना होता है और आपकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे देखें, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, हमने इसमें ED जोड़ दिया तो ये एब्यूज्ड हो गया। एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज्ड, अलाउ, अलाउड, अलाउड। तो आप इसमें देखिए क्या है, इसमें हमने केवल DED और DE आता है लास्ट में, इसको हमने थर्ड कैटेगरी में डाला है। और देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, आप डी या ईडी जोड़कर नीचे दी जो वर्ब हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अगर वर्ब में पहले से ई हो तो उनके बाद केवल डी जोड़ना होगा, और यदि वर्ब के अंत में ई ना हो तो आपको ईडी लगाना होगा। तो मोस्ट ऑफ द वर्ब जो होती हैं अंग्रेजी में वो ज़्यादातर ईडी या डी लगाकर ही बन जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है, अलाउ, आंसर, अपॉइंट, अपीयर, अराइव, अरेस्ट, बोस्ट, बोरो एंड बॉय। सो यहाँ पर क्या करना है, केवल ED या D जोड़कर ही इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। द नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखते हैं,
यहाँ पर ध्यान रखना है। तो तीन तरीके के वर्ब मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट टाइप में वो हैं जिनके तीनों फॉर्म्स अलग हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, तीनों अलग हैं। सेकंड टाइप में आपको वो लर्न करनी है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं, केवल आपको फर्स्ट और सेकंड याद करनी पड़ेगी। थर्ड में है आपका जिसमें ई डी 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 ई आता है, और अधिकतर जो मोस्टली वर्ब हैं वो ई डी या डी लगा कर बन जाती हैं। तो उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, अगर आप ई डी अगर या डी जोड़ते हैं तो आपको कुछ नियमों का, कुछ रूल्स का ध्यान में रखना है। जैसे कि क्या है, यहाँ पर नोट अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान में से, तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ वर्ब जिनकी जिनकी फर्स्ट जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सॉरी जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं और उनके अंत में डी या ई डी जुड़ता है, लेकिन उनके अंतिम अक्षर से पहले, आपको ये ध्यान रखना है नियम कि अगर उनके लास्ट लेटर से पहले ए ई आई यू आता है तो जो अंतिम अक्षर है ई डी जोड़ते समय वो दो बार लिखा जाएगा, अक्षर दो बार लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर किसी वर्ब में अगर आप ई डी जोड़ रहे हैं या उसमें जुड़ रहा है और उसका लास्ट लेटर कंसोनेंट है और उससे ठीक पहले एक वावल आता है तो वो जो लास्ट का लेटर है वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे बैग का एग्जांपल नोटिस करिए, देखिए बी ई जी बैग, जब इसमें ई डी जुड़ा है तो जी को दो बार करा गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जी जो है वो कंसोनेंट है और जी से पहले क्या आया है, ई आया है जो एक वावल है। तो अगर सिंगल वावल आता है और लास्ट लेटर कंसोनेंट होता है तो वो डबल जी हो गया है, देखिए तो जो लास्ट लेटर वो दो बार हो लिखा जाएगा। इसी तरह से स्टॉप को एग्जांपल ले लीजिएगा, स्टॉप में क्या है, पी कंसोनेंट है, पी से पहले एक वावल है ओ, तो यहाँ पर जब ई डी जुड़ गया तो डबल पी हो गया। तो इस रूल का आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हर जगह ही डबल होगा, लास्ट लेटर दो बार लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए आंसर के एग्जांपल में आंसर आंसर्ड आंसर्ड, केवल इसमें ई डी जुड़ा है ना कि आर डबल नहीं किया गया। ऐसे एंटर में देखिए ई एन टी ई आर एंटर, ई डी जुड़ गया। तो कुछ कुछ अपवाद भी हैं लेकिन मोस्टली ज़्यादा डबल हो जाता है लेटर। और लास्ट जो है वह चौथे प्रकार की वर्ब जिसमें तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, जैसे बैट बैट बैट, बस बस बस, कास कास कास, कोस कोस कोस्ट, कट कट कट, हट हट हट, हिट हिट हिट। तो ये जो वर्ब हैं ये आप देख रहे हैं इनमें क्या है, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, तो ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, केवल आपको फर्स्ट लर्न करनी है एंड सेकंड थर्ड फॉर्म में आप ही लर्न हो जाती हैं। इसमें एक रूल और है, अगर आप ई डी जोड़ते हैं तो एक नियम और ध्यान में रखना है, यदि जो लास्ट लेटर है वर्ब का वाई हो तो जब उसमें और उसके ठीक पहले वावल नहीं आएगा तो उसको आई ई डी कर दिया जाएगा, वाई हटाकर आप क्या कर देंगे, आई ई डी कर देंगे। देखिए लिखा हुआ भी है, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तो उसके ठीक पहले कोई वावल ना आया हो तो डी और ई डी जोड़े समय आई ई डी में बदल देते हैं। देखिए कॉपी का कॉपीड हो गया, कैरी का कैरीड आई ई डी हो गया, ड्राई का ड्राइड हो गया, आई ई डी हो गया। देखिए वाई, तो वाई आया है लेकिन उससे पहले वावल नहीं है तो क्या करना है हमें, से आई ई डी में बदलना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर वाई से पहले वावल हो गया, जैसा कि इस रूल में लिखा है, यदि वाई से पहले अगर वावल होगा, लेकिन यदि वर्ब से पहले वाई से पहले अगर एक वावल आ जाएगा तो आपको खाली डी या ई डी ही लगाना है, तब आपको आई ई डी में चेंज नहीं करना है। जैसे इंजॉय है, देखिए वाई आया है, खाली ई डी जोड़ा गया, इंजॉयड, प्ले प्लेड। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप क्या कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, या अपना ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, तो हम आपको जल्द से जल्द ये पीडीएफ सेंड कर देंगे। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।